देखिए ये बहुत एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि हमारा एक वीर डीएसपी ऑफिसर और खान माफिया के लोगों ने उसके हाथ दुर्घटना की ट्रक चढ़ा दिया, यानी उसको उनकी मृत्यु हो गई है। बहुत ही एक इस घटना की निंदा करता हूँ और हम लोगों ने विचार किया है कि ये जो खान माफिया के लोग हैं इनको हर कीमत पर इनको निष्फल करेंगे, इनको अपने सारे सिस्टम को मजबूत करके इनको पकड़ेंगे। जहाँ जहाँ खान का एरिया है, माइंस के एरिया का, हम उसके पास माइंस डिपार्टमेंट की चौकी बनाएंगे और वहाँ से जहाँ भी जिस स्थान पर वो जो ट्रक जाने वाला है या उसका जो माइंस का सामान जाने वाला है उसका डेस्टिनेशन वही अंकित होगा और जिस जिले में डेस्टिनेशन होगा उस जिले की एंट्री पर भी हम जो है नाके लगाएंगे माइंस के। बाहर जो दूसरे प्रदेशों के साथ हमारे जितने बॉर्डर्स हैं उन बॉर्डर्स पर भी हम चौकियां लगाएंगे ताकि माइंस का कोई भी सामान कहीं से चलता है जहाँ जाना होता है वहाँ का पोर्टल के माध्यम से उसका मिलान करेंगे। किसी को भी गलत काम करने नहीं दिया जाएगा। खानों की चोरी जो होती है उसको रोकेंगे। हमने उनके परिवार के प्रति हमारी सहानुभूति है, उनको श्रद्धांजलि भी अपने ओर से हमने दी है और घोषणा की है कि उनके परिवार को एक किसी भी नौकरी करने लायक जो भी कोई सदस्य होगा उसको नौकरी दी जाएगी और 1 करोड़ रुपये की राशि सरकार की ओर से अथवा HDFC बैंक की ओर से अथवा पुलिस की सहायता की ओर से सबकी ओर से मिला करके 1 करोड़ रुपये की राशि का उनको सहायता करने का निर्णय ले लिया। उन्होंने वीरता से उस समय DSP ने वीरता के साथ और वहाँ जा करके उसको समझाने की भी कोशिश की और उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ट्रक चढ़ाया है तो एक प्रकार का उन्होंने डर करके ऐसा कोई मैदान नहीं छोड़ा है बल्कि ट्रक वाले ने जबरदस्ती उनको जो है अपने ट्रक के नीचे ले करके उसकी हत्या की है। तो ऐसे सिपाही को वीरता का दर्जा देते हैं और वीरता के मुद्दे में ही और उनको जो सहायता से होता है वो सख्त से सख्त दंड दिया जाएगा और जहाँ तक मेरी जानकारी है उस जो डंपर है उसकी पहचान कर ली गई है और डंपर का जो ड्राइवर है अपने डंपर को लेकर के आसपास ही कहीं छुपा है। बहुत जल्दी हम उस डंपर को भी पकड़ेंगे, ड्राइवर को भी पकड़ेंगे, उनके परिवार के लोगों तक पहुँच हमारी बनते हैं और जल्दी से जल्दी और इस कंप्लेंट को जो दोषी है उसको ढूंढ करके पकड़ें और उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ें।